ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। ढोलक और हारमोनियम की धुन पर लोगों को बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रोत्साहित करने की ये तस्वीरें बिहार के कैमूर से आई हैं। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने ये पहल की है। कैमूर जिले के कलेक्ट्रेट में दोस्ताना सफर के थर्ड जेंडर के कला जत्था टीम को डीएम, एसपी, एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कला जत्था कैमूर जिले के सभी पंचायतों के गांवों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए उत्साह भरने वाले इस गाने को। कला जत्था की टीम ने बताया, ये हम लोगों का किन्नर कला जत्था है। ये टीम दोस्ताना सफर की तरफ से बनाई गई है। यह टीम जिले के सभी पंचायतों में जाकर बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और कन्या उत्थान योजना पर नाटक के माध्यम से जागरूक करेंगे। नहीं है, नुक्कड़ नाटक की पूरी टीम है और किन्नर कला जत्था और कैमूर कला जत्था, ये दोस्ताना सफर के द्वारा ये टीमें बनाई गई हैं। कैमूर कला जत्था कैमूर के सभी पंचायतों में जाकर के बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और कन्या उत्थान योजना पे नुक्कड़ नाटक और गीतों के द्वारा सामाजिक जागरूकता करेगी। और हम लगातार 2015 से लगातार काम कर रही हैं महिलाओं के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, नशाबंदी के मुद्दे पर, जल जीवन हरियाली के मुद्दे पर। और हम लगातार किन्नरों के और ट्रांसजेंडर्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं और आज हमें मौका मिला है कि हम महिलाओं के भी मुद्दे पर बात करें और उनके बाल विवाह के जो इतनी मुश्किल की स्थिति है, बाल विवाह की जो इस तरीके के रूरल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रिवलेंस है, इस तरीके की स्थिति है, तो हम चाहती हैं कि समाज में बदलाव हो। साथ ही गाने के माध्यम से कला जत्था ने बताने की कोशिश की, बेटियों की शादी कम उम्र में ना करें क्योंकि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। कैमूर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया, दहेज प्रथा का उन्मूलन करना है, लोगों को जागरूक करने के लिए इस जत्थे को रवाना किया गया है। दहेज प्रथा का उन्मूलन करना है, उसी अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए इस रथ का रवाना किया जा रहा है, जिसमें कि प्रशासन के सभी लोग, मैं, एसपी साहब, हमारे सभी और हमारे अन्य अधिकारी और हम लोग तंत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे ताकि ये सामाजिक कुप्रथा है इसको। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बिहार सरकार और कैमूर प्रशासन की ये पहल वाकई में काबिले तारीफ है। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करके हम महिलाओं को समाज में उनका सही स्थान दे सकते हैं। कैमूर से रंजन कुमार, बिहार तक।